आज छोटी दिवाली है, दिवाली छोटी होली है यार, अभी से नशा होने लगा। सर घर में ही सेलिब्रेशन करेंगे बर्थडे का, तो बाबू का बर्थडे है, पता है। सोनाक्षी के लिए मैंने बहुत सारा आइटम भी मंगवा रखा है खाने पीने के लिए। वो देखिए वहाँ पे होलिका दहन के लिए वो लग गया है, लोग वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो हर जिंदगी अभी हिम बीतवे गए, कितना बीत तो हर जिंदगी इतना बड़ा तोहफा बाबू हो गया है, इसीलिए लड्डू डुबान नहीं गया। मम्मी हमारी एकदम जब से है कुछ ना कुछ काम में लगी ही रहती हैं। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटू? मम्मी के साथ भी होगा एकदम लल्लन टॉप होली होगा, कुर्ता फाड़ होली होगा। गाइस वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, लल्लन टॉप होंगे, माइंड ब्लोइंग होंगे। तो इस खूबसूरत से ब्लॉग में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज छोटी दिवाली है, छोटी होली है यार, अभी से नशा होने लगा। सो गाइस छोटी होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरी सासू माँ को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मम्मी आपको होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद दीजिए। और मम्मी के साथ अब की बार खतरनाक होली होगी, और इसका सोनाक्षी के साथ खतरनाक होली होगा, एकदम बेहतरीन वाला, ठीक है। मम्मी के साथ भी होगा एकदम लल्लन टॉप होली होगा, कुर्ता फाड़ होली होगा, ठीक है, जो जो फाड़ होता है सब फाड़ होली होगा। तो बेहतरीन से होली होनी है अब की बार, क्योंकि सब लोग घर पे आ चुके हैं और हम लोग गाँव नहीं जा पा रहे हैं। मैंने बाबू बहुत छोटा है, बाबू को लेकर के अभी नहीं ट्रेवल कर सकते हैं। तो बाबू का बर्थडे भी आ रहा है 9 तारीख को, यानी कि कल परसों 9 तारीख है ना, परसों बाबू का बर्थडे है। तो बेहतरीन सा सेलिब्रेशन करेंगे, घर में ही सेलिब्रेशन करेंगे बर्थडे का। तो बाबू का बर्थडे है, पता है। सोनाक्षी के लिए मैंने बहुत सारा आइटम भी मंगवा रखा है खाने पीने के लिए, और सोनाक्षी बोली की ये है पहली बात मकीन्स फ्रेंच फ्राइज, और इसका मैक वेजीज वगैरह, और नीचे देखो चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स का पूरा डब्बा भरा पड़ा है। कितना पूरा डब्बा लेके आया, इधर रियल जूस है, रियल जूस भी ला दी थी किट्टो। अब तो फ्रिज है भाई, तो भरा ही पड़ा रहेगा। क्यों सुना थी, खुश हो? गई थी झूला वाला झूलने? मम्मी लड्डू डुबान नहीं गया? मम्मी हमारी एकदम जब से है कुछ ना कुछ काम में लगी ही रहती है। तो गाइज मम्मी ने पूजा पाठ कर लिया है, और आज काम मेरे पास कुछ खास नहीं है, लेकिन तभी मैं सोच रहा हूँ एक बार ना थोड़ा सा हल्का सा झाड़ू करके पोछा ओछा फिनाइल का लगा देता हूँ। डेली फिनाइल का पोछा ही लगाता हूँ मैं, मम्मी लगा चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं एक बार लगाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल देखो कल कौन कौन आता है, आज तो सब लोग आ ही गए हैं लगभग। देखो ये लोग आए हैं तो रूम का ढांचा इधर सुधर कर दे रहे हैं अभी, ठीक है थोड़ा सा अच्छा बातें, तो रौनक भी बनी रहती है ना, तो सब जो भी सामान जहाँ है वहीं पड़ा रहता है, रौनक सी एक बनी रहती है घर पे। किट्टो देखो बाबू को तैयार कर रही है, और बाबू जब से आया ना, जो ऋषभ जब से आए बाबू को ही देख रहा है, बाबू के पास ही रह रहा है। क्या झूठ बोला है लिली, ऐसे तुमको भी तैयार करते थे? और गाइज बहुत सारे लोग का, बहुत 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 सारे लोग का कमेंट्स ये आ रहा था कि बेबी फेस रिवील क्यों नहीं कर रहे हो, बेबी फेस रिवील कर नहीं रहे हो। तो आज ये बात भी बता देता हूँ, बेबी फेस रिवील क्यों नहीं किया, बेबी फेस रिवील हम लोग करेंगे बाबू का एक महीना पूरा हो जाने पे, क्योंकि हमारे घर में लोगों ने मनाई किया था कि बाबू को थोड़ी सी दिक्कत हो रही, तबीयत खराब चल रही है, कम से कम बाबू को एक महीने हो जाने दो, फिर इसका फेस रिवील करना, फिर इसका चेहरा दिखाना, नजर वजर का भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भैया जैसे छोटा बच्चा है तो जैसा हमें जो बोलता है वैसी चीज़ें मान लेते हैं लोगों की। लिलिया तू क्या कर रहा है मेरे बेटू, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटू? ये ना बाबू का जितना सामान है ना उससे खेल रहा है। बाबू को पाउडर गिरा दिए क्या? तुमको भी ऐसे छोटा छोटा पाउडर लगता था पता है, तुम जब छोटे से थे याद है तुमको? इसको याद है, मुझे नहीं याद है। या बाबू का क्या नाम रखेंगे हम लोग? मुझे नहीं पता है। ओए तो गाइस होलिका दहन की तैयारी पूरी हो गई है सोसाइटी में, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वो देखिए वहाँ पे होलिका दहन के लिए वो लग गया है, लोग वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। होलिका दहन की तैयारी लगभग पूरी हो गई, रात में होलिका दहन होगा। कपड़ा मत गिरा देना, रख दो ऐसे रख दो। तो चल लिली अंदर आ, लिली वो बाबू का कपड़ा है रख दो, हाँ आ जा। चलो अभी थोड़ा सा मैं बिस्तर उस्तर सही कर लेता हूँ,
बाबू भी सो के उठा है, किसका फोन आ रहा है भैया? हेलो, ये लोन वाले मुझे बहुत फोन करते रहते हैं। तो क्या कर रही हो? तुहार जिंदगी अब हिम बीतबे गए कि हम बीत तुहार जिंदगी। इतना बड़ा तोहफा बाबू हो गया है इसीलिए। कितने लोग इसीलिए दुआ मांग रहे, तुम भी तो दुआ मांगती थी कि मुझे एक बाबू दे दो, मैं उसी में बिजी रहूंगी। तो किट्टो को दे देता हूँ चेयर, किट्टो ताकि बैठे आराम से। ये जब किट्टो प्रेग्नेंट थी, चेयर ही डेली निकलता था बाहर इसे बैठने के लिए। लेकिन क्या चाहे यार, दूध दिया, दिया बैठो बैठो, लगा दिया है ऑलरेडी। मतलब एक बार मम्मी लगा चुकी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा काम वाम हुआ तो गंदा हो गया। मैं एक बार थोड़ा सा फिनाइल से पोछा मार देता हूँ और इसके बाद फिर घर और चमकने लगेगा। क्योंकि सुना हाँ हाँ फैन चालू हो गया, फैन भी चालू हो गया। आज 3-4 फैन लगने वाले हैं घर में, वो फैन लगाने वाले भी भैया आ जाएंगे, फैन लगा के चले जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हो कि भैया आप ऐसे पोछा मारते हो, मैं कहा मेरे को ना वाइपर से अच्छा लगता है, और वाइपर तो मुझे लगता है मैं ज्यादा अच्छे से पोछा मार लेता। ये क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो। और वाइपर से मुझे लगता है कि मैं अंदर अंदर तक पोछा मारता हूँ, अच्छे से पोछा मार लेता हूँ। चाची अच्छा पोछा मारता है? तुम चाय पी थी यहाँ पे? नहीं ऋषभ, क्यों नहीं पी? नहीं हम तो वहाँ बेड पे पिए थे। ऋषभ पिया था? हाँ, वो ऐसे गिराता है। तो गाइस जब सारी जगह सफाई हो गई तो मेरे घर में मतलब मेरे रूम में पोछा लगना था। इसमें स्पेशली फिनाइल से ज़्यादा लगा के थोड़ा मारता हूँ, बाबू रहते हैं तो थोड़ा मच्छर मच्छर आते हैं। लेकिन जब पोछा मारो कोई चप्पल पहन के जाए फिर बड़ी गुस्सा आती है। देखो वो जा रही चप्पल पहन के, मतलब खून खोलने लगता है। कोई पोछा मारे और आप उसमें आकर के चप्पल पहन के जाओ तो कितना वो होता है गुस्सा। मम्मी बाबू की मालिश कर रही है, बाबू का मेरा छोर आया है। और लीली जब से आया है अपने भाई के पास से हट नहीं रहा है। जाओ अच्छा चलो चपड़ा सिल के तुम बिना रहो पानी के दम में। इस घर की हो गई है साफ सफाई और काफी लेट हो गया। पता है आप लोगों को आज बज गए हैं 1, मतलब 1 बजे तक सिर्फ साफ सफाई चलती रही। हाँ ये देखिए 1:30 बजने वाले हैं पापा, तभी मेरा ब्लॉग भी लेट हो गया, ब्लॉग आने में भी 2 बज जाएगा। अब मतलब फर्श वगैरह एकदम साफ हो गया है, एकदम सब कुछ सेट कर दिया। इसको मैंने बोला तुम यहाँ बैठे खाओ आराम से, ठीक है बेड पे बैठ के मत खाओ। अगर सोफा है तो सोफे बैठ के खा सकती हो आराम से ना, काफ़ी ठंडा लग रहा है, अब तो नंगे पाँव भी चल सकते हैं। लेकिन सर्दियों में चलना काफ़ी मुश्किल था। हाँ गाइस काफ़ी थकान लग गई, तो इस वाले ब्लॉग पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फोटो सारा प्यार दुलाई शेयर जरूर दीजिएगा। और शाम को बहुत ही जबरदस्त ब्लॉग आने वाला है और आप लोग के लिए कुछ सरप्राइज भी है, वो सरप्राइज भी आप सब लोगों को जल्दी पता चलेगा क्या सरप्राइज है। ठीक है इस वाले ब्लॉग प्यार खूब देना।